हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं कल्लू, दो कल्लू, एक कालिया और अभी हम छत पर हैं, सदर हॉस्पिटल से चले आए हुए हैं। और तो अभी छत पर पंडित जी मेरा भगना है, जहाँ पीछे आप देख सकते हैं वहाँ हम अभी फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगा के उसे पूछते हैं कब आया है। अभी हम धीरे धीरे उतर रहे हैं सीढ़ी पर से, क्योंकि ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे उतरना पड़ता है जैसे कि। और यहाँ आगे देख सकते हैं ये गोदरेज, और यहाँ सब बैठकर धूप का मज़ा लूट रहे हैं छत पर, क्योंकि ठंड का समय है, काफ़ी ठंड है, जिसके कारण लोग सभी लोग। और यहाँ देख सकते हैं हनुमान जी और नीचे ये सम्मी का पेड़। यहाँ पर छत शहर में क्या जगह नहीं रहता, कहीं बोरे उड़े में सब सामान रख कर देख सकते हैं। यहाँ सम्मी क्या कहते हैं, तरह तरह के पौधे लगाया गया है इधर। और यहाँ आपको कहने वाले विशेष बात कि आज गैस खत्म हो गया है, तो समझते हैं गैस खत्म हो गया है, तो यहाँ पर छत पर ही आज खाना पकेगा। और खाना में आज बनेगा 3 किलो मीट, इसलिए कि ये मुखिया हमर साला लाया कहाँ न कहाँ से 3 किलो मीट, और आज उसी का जियो वाला ले लो। यहाँ पर आपको उस वीडियो में पूरा हम दिखाएंगे। अभी तो चूल्हे जलाने का प्रक्रिया चालू है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि चूल्हे जल चुका है। और आगे आपको दिखाते हैं एक चीज़, ये देखिए बच्चे का ऐसे ही खेल रहा है, जुआ खेलता है। यहाँ का छोटे छोटे बच्चे से जुआ खेलता है। अखाड़ाघाट एरिया बहुत ही स्लम एरिया है, यहाँ का बच्चा जो होता है ना, छोटे छोटे बच्चे से जुआ खेलता है। और यहाँ देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर अभी चावल लग रहा है, चावल पक जाने के बाद मीट मांस का तैयारी किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि धीरे धीरे चावल की तैयारी, चावल लग रहा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि चावल उबलना चालू हो चुका है और चावल तैयार ही होगा थोड़ी देर के बाद। उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि नीचे देख सकते हैं पशुपतिनाथ को तो लगाया जा रहा है, जैसे बहुत रो रहा है बच्चे को। धूप के समय तेल लगाना बहुत ही ज़रूरी है, और बचपन में तेल नहीं लगाइएगा तो जैसे समझ ही रहा है कि शरीर कमज़ोर हो सकता है। आई पशुपतिनाथ खूब रो रहा है। और यहाँ आज हम आप लोगों को जो दिखा दे रहा है फौजी का कपड़ा, उसको निकालेंगे नहीं, क्योंकि छत से नीचे गिर चुका है। और उसके निकालने के लिए मैंने ये 3 चीज़ रखे हैं। एक ये तख्ता, इसलिए कि इसमें एक कांटी लगा हुआ है, उस कांटी को हम मोड़ देंगे। और ये रस्सी, और इसी को बांध कर, और ये कपड़ा वाला रस्सी, जो रस्सी नहीं पूरा हो रहा है इसलिए इस दोनों रस्सी को जोड़ कर हम इसको नीचे, ये कांटी जो लगा हुआ है, इसी कांटी के सहारे अपना दिमाग लगा के नीचे, जो एक मंजिल नीचे है, जो वो फौजी वाला कपड़ा साहित्य का गिरा हुआ है, उसको हम निकालेंगे और वो आपको दिखाएंगे ऑनलाइन। जैसे आप देख सकते हैं हम उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप लोग वीडियो में बने रहे, और यहाँ जैसे देख सकते हैं ये हमको अब फंसाना है उसमें किसी तरह से, तो उसके बाद ही आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए हम फंसा रहे हैं उसमें, आप लोग ध्यान से देखते रहें उसको, उसको फंसाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये लगा, और ये लगा, अभी लगाते हैं इसको, देख सकते हैं जैसे फंस नहीं रहा, क्योंकि कांटी में फंसेगा तभी निकलेगा। और ये फंस गया, जैसे कि देख रहे हैं फंस गया। अब उसको हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं यहाँ पर, और जैसे कि देख सकते हैं कि हमने निकाल लिया ये अपना दिमाग लगा कर, क्योंकि ये और आदमी बोल रहा था कि उस छत पर जाकर करकट पर जाकर निकालना होगा, लेकिन अपना दिमाग का यूज करके मैंने इसे निकाल लिया और ऊपर ले आया ही। आप देख सकते हैं, और ये हाथ में आ चुका है और मैंने इसे निकाल लिया। और इधर हो रही है तैयारी मीट की, चावल तैयार हो गया है, और ये लगा प्याज भुजाने, और प्याज कट के पूरा तरह से उसको भुनने में, यानी कि उसको पकाना है। ये आज ये 10 आदमी में 3 किलो है। मीट की सफाई हो रही है, क्योंकि मीट को लग जाता है, इसके लिए उसको अच्छी तरह सफाई किया जाएगा। इधर प्याज उबल रहा है, पक रहा है, और इसको
देख सकते हैं जैसे टाइम लग रहा है, धीरे धीरे एक एक पीस को अच्छी तरह से साफ किया जा रहा है और इसमें डाला जा रहा है और भुजाया जाएगा। उसके बाद अभी तुरंत इसमें नमक डाला जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 चम्मच 2 चम्मच 1 चम्मच और जितना स्वाद के अनुसार। और अब हल्दी रखा जा रहा है, कलर के अनुसार इसमें हल्दी डाला जा रहा है जैसे यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ इसको अच्छी तरह से मिलाया जा रहा है और भुना जा रहा है अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से इसको सिझाया जाएगा क्योंकि ये मीट जो है मटन है, खसी का मीट है इसमें। और अभी ये मिर्ची रखा गया है और स्वाद के अनुसार इसमें मिर्ची डाला गया है, और ये मसाला है, मसाला ज़्यादा रखा गया इसलिए कुछ मसाला अलग कर दिया गया है, और ये मसाला पिसा कर रखा गया और इसको अच्छी तरह से मिलाया जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से पकाया जाएगा क्योंकि चावल बन चुका है सिर्फ, और ये बन के तैयार और हम खाने में बिजी हो चुके हैं। और जैसे देख सकते हैं हम और कंचन खा रहे हैं, मीट लाजवाब है, बहुत स्वाद है, स्वादिष्ट है, स्वाद बहुत आ रहा है इसमें। और यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम शाम को घूमते घूमते अपने भैगना पंडित जी के पास उसके रूम पर आए हैं, और बहुत देर से यहाँ पर बात कर रहे थे। पंडित जी अब जा रहा है थोड़ा बाहर निकल के घूमने क्योंकि यहाँ ये पढ़ रहा है ग्रेजुएशन की तैयारी, BSc पंडित जी किया कर रहा है यहाँ पे, और मैं अभी जा रहा हूँ। ओके बाय।